हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंसेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ग्रीन बोर्ड पर। तो पहले क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इफ वाई बराबर एक्स किया देन लॉग एक्स, प्रूव दैट एक्स वाई एन प्लस वन बराबर एन फैक्टोरियल को शो करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बीएससी एग्जाम में मिल सकता है। प्रूफ हम इसका समझेंगे। प्रूफ देखिए, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट y बराबर एक्स की घात n इंटू लॉग एक्स, वाई बराबर एक्स की घात n इंटू लॉग एक्स। हमें वाई एन प्लस वन निकालना है, तो पहले मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर मैं विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम फिर मैं n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। तो पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूं y वन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे ये मिल जाएगा y वन बराबर एक्स की घात n का मल्टीप्लाई log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस x की घात n का हो जाएगा n x की घात n माइनस 1 और log x का मल्टीप्लाई। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, y1 मुझे मिल जाएगा x की घात n माइनस 1 प्लस n इंटू x की घात n माइनस 1 इंटू log x। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पर x को ऊपर ले गए, इसको ऊपर नहीं ले जाना है, इसको हमें क्या करना है अपॉन में रखना है, और यहां पर जो पावर माइनस वन है इसको भी हमें अपॉन में ही लिखना है। और अब मैं क्या करूंगा, इस वन अपॉन एक्स को इधर एडजस्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा एक्स वाई वन बराबर एक्स की घात एन प्लस एन इंटू एक्स की घात एन इंटू लॉग एक्स। ये मेरा हो जाएगा क्या वाई, तो ये हो जाएगा एन वाई, ये हमें याद रखना। अब हम यहां से लगाएंगे लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम से हम इसका एन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। तो लेबनीज थ्योरम क्या होती है, मैं इसको लिख देता हूं, n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, ये हो जाएगा मेरा n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाई v प्लस एन सी वन एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, सेम हमारा ये सीक्वेंस, ये पैटर्न हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट मुझे मिलेगा एन सी टू डी एन माइनस टू ऑफ यू प्लस इंटू इंटू डी टू वी, इस प्रकार हम इसको चलाते रहेंगे, कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। तो हम यहाँ लेबनीज थ्योरम लगाएंगे और लेबनीज थ्योरम से हम इसका एन टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एन टाइम्स, तो मुझे क्या मिलेगा डी एन एक्स वाई एन एक्स वाई वन बराबर डी एन एक्स की घात एन प्लस एन भाग ले लूंगा कॉन्स्टेंट टर्म को और ये हो जाएगा डी एन वाई। देखिए यहां पर हमको ध्यान देना होगा कि जब हम लेबनीज थ्योरम लगाएंगे तो हमें समझना होगा u हम किसे मान के चलेंगे और v हम किसे मान के चलेंगे। तो मैं यहां पर v मानूंगा एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव जल्दी से जीरो हो जाएगा, और वो मेरा क्या है x, वो मेरा क्या है x। तो मैं इसको इस प्रकार एक्सपेंड करूंगा कि मैंने u मान लिया y1 को, तो मुझे ये मिलेगा डी एन वाई वन इंटू मल्टीप्लाई बाई बी मीन्स एक्स प्लस हमें मिलेगा एन सी वन डी एन माइनस वन वाई वन और यहां मुझे मिलेगा डी एक्स प्लस। देखिए आगे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहां पर तो आएगा डी एन माइनस टू वाई वन और यहां मुझे मिलेगा डी टू एक्स, तो वो डी टू एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, एक्स का दो बार डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एक टर्म को मैं लिख रहा हूं, उसके बाद हम एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद वाली सारी टर्म हमारी जीरो होती चली जाएंगी। तो लिख दे रहा हूं एक टर्म को और एन सी टू डी एन माइनस टू और वाई वन वाई वन और यहां पर आएगा मुझे मिलेगा डी टू एक्स, लेकिन ये हमारा जीरो हो जाएगा तो हम इसके बाद में एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हर बार हमें एक्स का डेरिवेटिव जीरो मिलता जाएगा। इसका मीनिंग क्या, हर बार हमें जो इसका एक्सपेंशन मिलेगा हर टर्म में वो जीरो मिलता चला जाएगा इसकी वजह से, डी टू एक्स की वजह से। आगे क्या आएगा डी थ्री एक्स फिर डी फोर एक्स, भाई एक्स का तो दो बार में ही जीरो हो जाता है, वन टाइम्स में कॉन्स्टेंट मिलता है एक्स का और दो बार में जीरो और फिर तीसरी बार में जीरो, सब जीरो मिलते जाएंगे। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया है, बराबर में आएगा। देखिए अगर हम एक्स की घात का एन का एन टाइम्स करेंगे तो ये हमें मिलेगा एन फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन बराबर होता है एन फैक्टोरियल। और यहां मुझे मिल जाएगा, देखिए यहां पर एन और डी एन वाई हो जाएगा हमारा वाई एन
हम इस डेरिवेटिव को सफिक्स में ऐड कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या कि हमने y का n टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया है। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सफिक्स में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x की मल्टीप्लाई वाई एन प्लस वन, एन सी वन होता है हमारा n, और ये कितना हो गया हमारा, इसको भी हम सफिक्स में ऐड कर देंगे n माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा वाई एन। और डी एक्स कितना आएगा भाई, x का वन टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा वन, तो ये हमें मिल जाएगा वाई एन इंटू वन, और ये हमारा हो गया जीरो, बराबर में आएगा हमारा ये n फैक्टोरियल प्लस n वाई एन। देखिए n वाई एन से n वाई एन कैंसिल हो गया मेरा, और मुझे ये मिल गया एक्स वाई एन प्लस वन बराबर n फैक्टोरियल, और यही हमें शो करना था इस क्वेश्चन में, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके okay.